लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। देखिए सबसे पहले जो आप लोग के ये चैनल के माध्यम से ये बात जहाँ तक पहुँच रही है और आप लोग इतने सारे अच्छे काम कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जो जो मतलब जो बातें गांव गांव तक नहीं पहुँचती थी वो आप लोग के माध्यम से पहुँच रहा है, उसके लिए तो सबसे पहले एक बहुत सारी वो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्थोपेडिक जो है एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो सेशन है ऑस्टियोपैथी एंड कायरोप्रैक्टिक है। इसमें होता क्या है कि हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं बिना मेडिसिन और बिना सर्जरी का, इसमें क्या है नॉलेज के लोगों को कमी है हमारे गांवों में। होता क्या है कि जैसे कि जनरली होता क्या है कि कमर दर्द किया हम लोग डायरेक्ट दवा ले लेते हैं, और नहीं तो मान लीजिए कभी अगर गर्दन दर्द हुआ हाथों में दर्द हुआ तो सही जगह नहीं पहुँच करके कहीं और पहुँचाते हैं और मेडिसिन पर टोटली डिपेंड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये हम लोग क्या करते हैं अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि स्पाइन के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हम लोग बिना सर्जरी और बिना मेडिसिन के भी ठीक कर। देखिए ये उनका कहना जो है सही है, लेकिन जो बात है देखिए अब बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं एलोपैथी के जो गांव में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब उनको भी नॉलेज नहीं है इंजेक्शन अगर गलत देते हैं तो कलर इफेक्ट आता है। तो हमारे भी वैसे का नॉलेज किसी को नहीं है, बोन एनाटॉमी और मसल्स का नॉलेज नहीं है, उनके साथ गलत कर सकता है। जब जिसको नॉलेज है वो गलत कैसे कर सकता है, इसके भी प्रॉपर जैसे हमारे MBBS वगैरह जितनी सारी पढ़ाई हुई थी सारी प्रॉपर फिजियोथेरेपी के बाद ऑस्टियोपैथी कायरोप्रैक्टिक करने के बाद उसके बाद हम लोग के एक्सपर्ट हुए और काम को करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हड्डियां से कुछ हो जाती है। किस टाइप के ट्रीटमेंट को लेकर हम लोग नहीं पता। देखिए अभी क्या है कि मैं पहले ही बताया कि जो हमारे पास जितने लोग आते हैं जितने लोग दर्द से जुड़ते हैं वो एक बीमारी नहीं ये लाइफ स्टाइल मतलब जो हमारा है बिल्कुल चेंज हो चुका है। खड़ा होने का तरीका, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप मतलब हेल्थ से खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑफिसर्स में देखेंगे जिनका लॉन्ग सिटिंग होता है लंबे समय तक बैठते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो बैंकर्स हो सब सारे जितने रहते हैं तो उन लोगों का क्या होता है कि कहीं ना कहीं अपने बॉडी को आराम देने के चक्कर में पोस्चर चेंज करके बैठते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा कहीं ना कहीं स्पाइन आकर के कंप्रेस करता है ब्लड वेसल्स को, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने देता है जिसके कारण दर्द होता है, चक्कर आता है, किसी के पैर में दर्द, चक्कर आना, किसी के पैरों में दर्द, सूजन पड़ जाना, इन दिनों कॉमन सा बीमारी हो जाए इनडाइजेशन, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो उसमें क्या है कि हमारा काम है कि हम लोग विसरल मैनिपुलेशन की ऑस्टियोपैथी का टेक्निक है, उसमें क्या है कि इंटरनल जितने पेट के ऑर्गन होते हैं जैसे स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, ड्यूडेनम हो गया, आपका पैनक्रियाज हो गया, उस स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब चीज़ों को हम लोग एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करके मतलब वो सर्कुलेशन को जो मेंटेन करते हैं तो हमारी आंते की जो फंक्शन होती है उसमें नॉर्मल हो जाती है और हमारे डाइजेशन में भी राहत मिलता है। तो ये सब सारे इस प्रकार की बीमारियाँ जो हैं जो हम लोग ठीक करते हैं। दर्द बढ़ जाती है क्या, इसका उपचार बिना दवा का संभव है क्या? देखिए इसमें क्या है, कंडीशन मैंने बताया था कि कंडीशन होना चाहिए। अब कंडीशन क्या है तो ये जैसा आप बता रहे हैं तो ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम भी हो सकता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होगा, एज के साथ साथ बहुत सारे हमारे जो बॉडी के मतलब जितने सारे ऑर्गेन्स हैं, जितने सारे पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक होते हैं। कार्टिलेज जो होता है रिजनरेट नहीं हो पाता है, कम होने लगता है, तो उसको स्टेजेस देखने होते हैं कि कौन सा स्टेज में। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो घुटने का दर्द है, स्वेलिंग है, बैठ नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते। तो कोई भी मतलब मैं मतलब एलोपैथ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जा करके करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे स्पाइन के भी जगह सर्जरी नीड होता है। लेकिन उससे पहले अगर मैं कहता हूँ कि जो पेशेंट अगर दो स्टेप भी चलता है तो उसको एक बार क्या है कि अपने खुद से ट्राई करना चाहिए और विदाउट सर्जरी उसका इलाज संभव है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। सर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या अगर देखा जाए तो योगा का है। देखिए योगा जो है एक, देखिए योगा क्या है, अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि ये जो प्रॉब्लम जो है लाइफ स्टाइल डिजीज, तो योगा क्या है हमारे लाइफ स्टाइल को सुधारता है। हमें बैठना कैसे है, चलना कैसे है, सोना कैसे है, मतलब अगर लॉन्ग सिटिंग करना है तो कैसे करना है, लॉन्ग स्टैंडिंग करना है तो कैसे करना है, तो योगा हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। योगा के थ्रू जो मान लिया अगर प्रॉब्लम किसी को हो गया, सपोज किसी का नर्व कंप्रेशन होने लगा तो योगा से जो काम 2-4 महीने में होने वाला है तो वो हमारा काम क्या है, सपोज जैसे बैठने के साथ जैसे ये रोटेट होता है स्पाइन, तो हमारा काम क्या है, सर्जन का काम क्या, अगर आप जाएंगे सब अपने जगह पे सारे जिससे डॉक्टर से सब सही है, उनको जो पढ़ाया गया है वही काम करेंगे, उनको सर्जरी करके इसको करेक्ट करना है वो करेंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे मेडिसिन देंगे पेन को कम करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के जाएंगे एक्सरसाइज कराएंगे, योगा के पास जाएंगे योगा कराएंगे, हमारे पास आएंगे तो हमारा काम क्या है कि हम लोग ये स्पाइन पे काम करते हैं। जैसे हमारे पास आए तो हम लोग जैसे इसको टच करते हैं, आप देखे होंगे मेरा बहुत सारा वीडियो, मेरा ये फिंगर ऐसे देखते होंगे पालपेट करते हैं, तो जैसे हम इस पार्ट पे आते हैं तो मुझे ये रोटेशन पता चलता है, ये वर्टीब्रा रोटेट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लड वेसल्स जो है ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होगा तो ये सब सारा प्रॉब्लम आएगा। तो हमारा काम क्या है कि हाई वेलोसिटी थ्रस्ट भी हो ये सारा सिम्टम ठीक हो जाता है, उसके बाद में पेशेंट क्या होता है कि पेन फ्री हो जाता है।
तो ये हमारा काम है। सर गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज से बड़ी बहुत परे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस चीज को मतलब गांव में भी अवेयरनेस होना चाहिए? देखिए गांव का मतलब जो है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मिसगाइड करते हैं। होता क्या है कि उन लोगों को ऐसा समझ में आता है कि ये जैसे सपोज ये क्रैक कर दिया, ये क्रैक करना ही कायरोप्रैक्टिक, तो ये क्रैक करना कायरोप्रैक्टिक नहीं है। उसके लिए इसके पीछे बहुत सारी मतलब हमारे मेडिकल साइंस है जो काम कर रही है, जो इसके साथ मतलब क्या अगर ये हमारा फिंगर भी है तो फिंगर में कौन कौन सा मसल्स है, कौन कौन सा बोन है, किसका कितना डिग्री मूवमेंट है, ये जानना जरूरी होता है। क्रैक करना कायरोप्रैक्टिक नहीं है। और जो गाँव में जो मिथ जो है ये ऐसा है वैसा है, गाँव में ट्रीटमेंट कहीं मतलब नुकसान तो नहीं हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाए, तो कुछ मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे करके लोगों को मिसगाइड भी करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो चीज़ सही है उसको बढ़ावा देना चाहिए, चाहे वो बिहार हो, हिंदुस्तान हो, वर्ल्ड हो, कहीं हो। मतलब बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट है, कोई कोई इस टाइप के पेशेंट मैंने देखा पिछले बार, अभी तक नहीं थी तो मैं एसिडिटी और गैस का लगभग 5,000-10,000 पेशेंट देख चुका हूँ, अभी तक किसी को कोई हार्मफुल नहीं हुआ। लेकिन एक पिछले बार हमारे बिहार से एक ऐसे भी क्लाइंट आए थे जिनको मैं इलाज भी किया, अच्छा से इलाज किया, और मैंने उनको बताया भी कि एक महीना बाद टच में आना है, लेकिन वो लोग टच में नहीं जाकर के भ्रमित फैलाते हैं लोगों में, ये इलाज गलत है, ऐसे है वैसे है। तो एक सही लोगों की जरूरत है, ये सही चीज़ों तक पहुंचाना जो आप लोग कर रहे हैं। सर कई सारे स्टेट में आप जाते हैं, सर डीएल स्पाइन का आजकल प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में आ रहा है, हाँ उसको लेकर के बहुत सारे डॉक्टर लोग MRI कराने के बाद में डायरेक्ट जो है उसको ऑपरेशन सजेस्ट कर देते हैं, उन लोगों के लिए क्या चाहिए? देखिए LS हो गया लंबर स्पाइन, DLS हो गया डोर्सल लंबर स्पाइन, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग का मेन बेस होता है जो आप बात किए, ये आपका लंबर स्पाइन होता है, 5, 4, 3, 2, 1 लंबर 5 होता है। यही से हम लोग का क्या होता है कि दोनों पैरों का जितना ब्लड सर्कुलेशन होता है यही से जाता है आपके आपके स्टमक से लेकर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही सिम्टम आना शुरू होगा लोगों को, किसी के हिप पेन होंगे, किसी को पैरों में दर्द आएगा, किसी के यूरिन इरेगुलर यूरिन हो जाएगा, किसी के UTI इन्फेक्शन होगा, ये सब सारा प्रॉब्लम आएगा। जब यहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो ब्लड सर्कल, जैसे हमारा खाना है दाल चावल रोटी जो भी हो, तो वैसे हमारे बॉडी का खाना है ब्लड, ब्लड के थ्रू ही सारा वो बॉडी को पहुँचाता है। जब ब्लड उस पार्ट को नहीं पहुँचेगा तो वो पार्ट वीक होगा। तो जैसे ही देखिए एक सिंपल सी बात है, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार, अगर इसको हम लोग सही रखेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज के जीवन शैली में जो भाग दौड़ का लाइफ है इसमें शरीर का जो डिसिप्लिन आपने कहा या होना भी चाहिए, ये लोग मेंटेन कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए लोग तो आपके पास नहीं, मतलब ये मतलब ये आप लोग बुलाने का मेन मोटो मेरा यही है कि इस बात को गांव-गांव तक पहुंचे कि कैसे रह सकते हैं। उन लोग को मेरे पास भी नहीं आना पड़ेगा, वो अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हम बाइक ही चलाते हैं, तो आजकल देखेंगे बाइक क्या होता है कि लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, कहीं रेस्ट नहीं लेते। तो मेरा मानना हो चाहे कार ड्राइव कर रहे हैं, चाहे मान लें कि कोई ऑफिस वर्क बैठ कर ऑफिस में काम ही कर रहा है 2 घंटे 4 घंटे, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि हर एक 45 मिनट्स पे बस 1 से 2 मिनट के ब्रेक लीजिए, और आप 4 व्हीलर से भी चल रहे हैं तो 2 मिनट के ब्रेक लीजिए, उतर करके थोड़ा वॉक कर लीजिए, रास्ते में चाय पी लीजिए, बाइक से जा रहे हैं तो उतर करके 2-4 कदम घूम लीजिए, अगर चेयर पर काम कर रहे हैं, अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, अगर देखते हैं कि बस ऑफिस वर्क है, बॉस के सामने मैं नहीं घूम सकता हूँ, कुछ नहीं, बस ये अपना जगह पे ही खड़े होकर के बस 2-4 कदम अपना ऐसे कर लेना, मेंटेन कर लेना, जो सर्कुलेशन जो कंटिन्यूअस बैठने से प्रेस हो वो नहीं हो, ताकि फिर से अपना रिलैक्स हो जाए, फिर अपना बैठ करके काम करें। तो ये सब सारी चीज़ें, जैसे आप मोबाइल पर ही काम करना है, अब मोबाइल आज के डेट में जैसे वरदान है तो वैसे अभिशाप भी है, एक हमारे लाइफ का अहम पार्ट बन गया है मोबाइल। हम लोग एक टाइम खाना नहीं खाएंगे लेकिन मोबाइल चाहिए, क्योंकि सारा हमारा डिजिटल हो गया है, बैंक से लेकर के सारा चीज़ मोबाइल से ही है, तो हम लोग मोबाइल यूज़ भी करेंगे तो बहुत सारे देखेंगे अभी छोटे छोटे बच्चों को भी सर्वाइकल में प्रॉब्लम है। डेट में अगर आप नॉर्मल से भी अगर हॉस्पिटल में जाते हैं आप, तो सुबह से शाम तक सारे ब्लड टेस्ट से लेकर के MRI से लेकर के सारे टेस्ट कराने के बाद अप्रॉक्स 50,000 के आसपास आपका खर्चा आता है। उसके बाद पता चलता है आपको कि मुझे कमर में नस दब रहा है, मुझे कमर में नस दब रहा है। मैं उन लोगों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ जो कहते हैं कि इलाज बहुत महंगा है, तो शाम तक आपको ये पता चलेगा कि बस कमर में नस दब रहा है, 50,000 आपके खर्च हो चुके हैं। उसके बाद में जो मेडिसिन चलेगा वो अलग, उसके बाद जो बॉडी के साथ जो खिलवाड़ होगा, जो कि दर्द के गोली लेते थे पहले के, क्या होता था कि हम लोग बहुत दूर दूर तक सुनते थे किसी को उसका किडनी खराब हो रहा है, लेकिन अब क्या देख रहे हैं घर में किसी का खराब हो रहा है। रीज़न क्या है? कमर दर्द किया गोली खा लिए, सर दर्द किया गोली खा लिए, तो थोड़ा इन सब चीज़ों से परहेज करना है। तो इस बात पर मैं बताता हूँ, मेरा जो फी है, मैं अप्रॉक्स एक पेशेंट पर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मेरे 80% पेशेंट 3 सेशंस में ठीक हो जाते हैं, 3 ट्रीटमेंट में ठीक हो जाते हैं, मैक्सिमम 100 में 80% 3 सेशंस में ठीक हो जाते हैं। बहुत सारा ऐसा रियर केसेस होता है 20 साल 25 साल पुराना कोई प्रॉब्लम लेके आएगा, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा।
तो वैसे पेशेंट को अगर मान लें मैक्सिमम खर्चा अगर 30,000 भी आता है तो वो मतलब खर्च क्या है, एक तो वो उनका टाइम भी बचता है और उतना ज़्यादा हेडेक भी नहीं है, और एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वर्ड, जो एक डायग्नोसिस के बाद जो वर्ड मिलता है लोगों को, लंबर लॉर्डोसिस, लंबर मतलब कि या आपका कुछ भी एक पार्ट जो वर्ड, उस वर्ड को कहता है पेशेंट पढ़ लेता है और उसको सर्च करना शुरू करता है गूगल पे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और वो उस बीमारी को लेकर डिप्रेशन में चला जाता है कि मुझे अब ये हो गया, अब इसका अगला स्टेज क्या होगा, अगला स्टेज क्या होगा, उसमें कभी ये भी पढ़ लेता है कि इसके बाद पैरालिसिस भी मार देंगे, अब उसको लेकर के बहुत पैनिक होता है। तो थोड़ा सा डरे नहीं, इसको आराम से ले और फिजिकली एक्टिविटी करें, और थोड़ा सा डेली लाइफ में 5-10 मिनट जो भी हो मॉर्निंग का अपने आप को खुद को दे, तो आप इससे बच सकते हैं। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।